अपने दाऊ भैया के साथ में सखाओं में खेल रहे थे, तो खेलते खेलते ही वह एक माटी के ऊंचे टीले पर जाकर बैठे और माटी उठा करके खाने लगे। और जब माटी खाना प्रारंभ किया तो देखिए एक सखा दौड़ा दौड़ा गया यशोदा मैया के पास जाकर कहने लगा, देख मैया तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। अरे ओ मैया यशोदा, तेरा लोग लाला है ना, बहुत बार मना करने के बाद भी ना मान रहो और माटी खा रहो है। यशोदा मैया चांदी की छड़ी हाथ में लेकर के चली, चल बता कहाँ खा रहा है माटी। और जब मैया यशोदा यहाँ पर आई तो देखिएगा बड़ा सुंदर मैया ने लाला से कहा है, कन्हैया तूने माटी खाई। अब मैया भगवान से कहा, भगवान मैया से क्या कह रहे हैं, मैंने माटी खाई ना, ये शब्द दोनों ही कहते हैं लेकिन थोड़ा अंतर से कहते हैं। यशोदा मैया के मन में ऐसी लालसा ऐसा भाव जगा के ना माने नहीं, खाई वाला शब्द तो याद ही नहीं है उसे, क्योंकि इसने हर मैया का होता है खाई ना, अब नहीं नहीं खाई। मैया ने कहा, क्यों रे मधुमंगल तू कह रहो माटी खाई, अब बताइयो कहाँ खाई माटी, ये तो मना कर रहे हो। मधुमंगल ने कहा, देख मैया मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ, झूठ नहीं बोलता, इसने माटी खाई और तू विश्वास नहीं करेगी, अब इसलिए इसका मुंह खुलवा के देख ले, तू मेरी बात तो मानेगी ना। अब मुंह खुलवा के देख ले, दूध को दूध पानी को पानी, अब यह जाए वो खाई या ना खाई। यशोदा मैया कह रही है मुंह खोल के दिखाइयो लाला, लेकिन भगवान ने मुंह को बंद किया ना, मुंह खोलने पर ही गड़बड़ है। और यह बड़ी बूढ़ी मैया, अभी अटैक पड़ेगा, दांत निकल जाएंगे, गोविंदा है नमो नमो, हाय राम, ये कहा भया, अभी तो बड़ा अच्छा हो। ऐसे ही तो है वे हार्ट अटैक, नस ब्लॉक, खून की चाल बंद, धड़कने तेज, बीपी हाई होना ना, लो हो जाना, ये क्या बीमारियां हैं शरीर के अंदर, अनेक प्रकार के रोग जिनकी कोई गिनती नहीं है, नई नई रोग बन रहे हमारी भूलों के कारण। अब कन्हैया जी ने मन में विचार किया, मुंह खोल के दिखा दो तो मैया बड़ी बूढ़ी है, अब धड़कने बढ़ जाएंगी मैया की, फिर मेरी मैया कहां से आएगी। अब मुंह नहीं खोल रहे हैं, यशोदा रानी डांट रही है, क्यों रे मुंह नहीं खोल के दिखाए वो। मधुमंगल कह रहा देख ले मैया मुंह खोल के दिखा तो ना रो, ये जरूर खाइए जाने मारने। जब जब मुंह खोल के ना दिखाया कृष्ण ने, तो मैया ने कान पकड़ा कसके सांटी की धमकी और कहने लगी, अरे ओ कि चोरी बजमार कियो नाक में हमारे दम, बहुत शैतान है तू, बहुत तंग करता है तू मुझे, कि क्यों रे बजमार कियो नाक में हमारे दम, मार मार कुलचा तेरे मोहड़े को सो जाऊंगी, कि खात खीर खाड़ तो पे बीजरी पड़त साड़, और रोटी को दऊं नाटू को माटी ही खवाऊं, कि ठाड़ो मुख मुदे बताए दे अब सूदे मोहे है रही अबार, कब दूध को धलाऊंगी, ये ठाड़ी मकमानी मकमानी मुस्कानी तब बेग मुख फाड़ नहीं हवा को बुलाऊंगी। अरे ओ कन्हैया तू राजी से ना मानेगो, देख या तो जल्दी से मुंह खोल के दिखा दे, नहीं तो हवा को बुला लूंगी। और जैसे ही हवा को नाम यशोदा रानी ने लियो, भगवान ने देखो ये हवा हमसे भी कोई जबरदस्त है, इसलिए एकदम से मुंह खोल दिया श्री राधे। और ये कुछ दानदाताओं के नाम आए हैं जो इस प्रकार है, 201 रुपए गुप्त दान, 200 रुपए योगेश और भव, 200 रुपए रूप किशोर और ध्रव, 201 रुपए एक साड़ी देवेंद्र शर्मा जी की अम्मा जी विद्या देवी जी, और 500 रुपए श्रीमान मोहित वशिष्ठ, और 40 किलो गेहूं हमारे परीक्षित महाराज सत्य सिंह जी दान कर रहे हैं पाठक जी।
भगवान इनकी सही मनोकामना पूर्ण करें। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जैसे ही भगवान ने मुख खोला तो अब क्या है, मुख में देखा सब संसार, जीव चराचर भूत त्रिलोकी सागर दीप अपार, मुख में देखा सब संसार, नदियां गंगा यमुना ब्रज भी, निज शरीर घर द्वार। यशोदा मैया देख रही है अपना घर, अपना महल है, अपना शरीर, अपना लाला, और वहां बैठी धमका रही है वो दृश्य भी लाला के मुख में। अब वही बात हो गई, धड़कने बढ़ने लगी, ये मेरो लाला है ही ना सके। अब ये ख्याल नहीं है कि ये ब्रह्म है भगवान है, नहीं ये मेरा लाला ही नहीं, ये मेरा लाला नहीं हो सकता, मेरा कृष्ण नहीं हो सकता है। घबराती हुई मैया को भगवान कृष्ण ने देखा, ऐश्वर्य शक्ति जो यहाँ लीला दिखा रही थी ना, भगवान कृष्ण कहने लगे उसे, सुनो ये अपनी माया समेट लो यहाँ से, अगर मेरी मैया को कुछ हो गया ना तो तुम्हें फिर किसी लायक छोड़ूंगा नहीं मैं। देखिए यहाँ पर भगवान की जो ऐश्वर्य शक्ति थी ना, ठाकुर जी ने यह दृश्य नहीं दिखाया, ये भगवान की जो ऐश्वर्य शक्ति थी उसने दृश्य दिखाया कि कान जिसका तू पकड़ रही है ना मैया, इस परम ब्रह्म की शक्तियों के विषय में तुझे दिखा देती हूँ कि जिसका तू कान पकड़ रही है यह है कौन। लेकिन भगवान ने कह दिया नहीं, यह मेरी माँ है, जाओ यहां से, और वह दृश्य विलीन कर दिया भगवान ने। क्या हुआ कैसे हुआ, शुद्ध बुद्ध बिसरा दी, आ गए अपने घर पर। बड़ा सुंदर दृश्य है कि आज माँ यशोदा बहुत सी साथ वाली सखी, बहुत सी सेविकाएं होने के बाद भी अपने कृष्ण के लिए माखन निकालने के लिए स्वयं दधी मंथन कर रही है। और आज के जमाने की माँ दूध भी अपने बच्चे को स्वयं नहीं पिला सकती, किसी दूसरे को कह देती है तुम पिला दो जरा इसे, दादी पड़ोसिन रो रहा है ना थोड़ा दूध पिला दो। लेकिन वह बूढ़ी माता आज भी, कृष्ण बड़े भी हो गए, अपने पुत्र को स्वयं दधि मंथन अपने हाथों से कर रही है, और दधि मंथन करने के कारण माथे पर पसीने की बूंदा झलक रही है थकान के कारण, चमेली के पुष्प लगे गजरे में से पंखुड़ियां झर झर कर रही हैं, बहुत सुंदर। उसी समय कन्हैया आकर के बैठे गोद में और आंचल निकाला मैया का, मुंह से लगाया और पीना प्रारंभ कर दिया। अब देखिएगा एक दृश्य देखा, यहाँ पर यह पदम गंधा गाय थी वहां, जिनका दूध भगवान कृष्ण के लिए रखा जाता था, वह दूध देख रहा है कृष्ण, मैया का दूध पी करके पेट भर लेंगे मेरा ख्याल ही नहीं करेंगे, इसलिए अब वह दूध उफन उफन करके अग्नि में गिर रहा है। भगवान कृष्ण की निगाह वहां चली गई, यह दूध निकल करके गिर रहा है अग्नि में, तो मैया से कुछ लीला कर ले। और यशोदा मैया से भगवान ने कहा, मैया तू मुझे एक बात बता, तुझे पूत प्यारा लगता है या दूध प्यारा लगता है। मैया यशोदा ने कहा, मुझे पूत प्यारा लगता है। थोड़ी देर के बाद में मैया की निगाह गई, वह दूध जो निकल रहा था ना, जो रखा हुआ दूध उबल उबल के निकल रहा था ना, और जैसे निगाह मैया की गई दूध को निकलने पर, एकदम से लाला को गोद में से उठाया, ऐसे रख दिया धरती पर और पटक करके भाग करके गई, हाय राम। और भगवान देखते रह गए, बताओ ऐसे फेंक के चलेगी सौत को सचुरा, या को लाला ना हूं मैं, या को मतलब। और अभी तो कह रही थी कि मैं पूत से प्यार करती हूँ दूध से नहीं, और ऐसे फेंक के चली गई जैसे मैं या को लाला ही नहीं हूं, और दूध को उठाने भागी। लेकिन यहाँ भगवान तो कह रहे हैं कि यह मुझे प्यार नहीं करती, लेकिन माँ का जो प्यार है वो उस पुत्र के लिए, उस दूध में भी पुत्र के ही लिए प्रेम है। क्यों भागी मैया, क्योंकि यह इसी दूध को पीता है, और यह जल जाएगा, खराब हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, और जब यह मांगेगा मुझसे तो मैं कहां से ला कर दूंगी, और जिद करेगा रोएगा अपने लाला को न रोने पर, यह रोए नहीं, यह चुप रहे प्यार से रहे, इसलिए भाग करके गई दूध को उठाने। माँ का जो प्रेम है वह दूध में भी पुत्र के लिए ही है। लेकिन सज्जनों, आज कन्हैया ने मोटा सा डंडा हाथ में लिया, मैया के मटकियों को फोड़ फोड़ करके आंगन में डालना प्रारंभ कर दिया, सारे दूध दही माखन की मटकियों को फोड़ करके फेंक दिया। और सज्जनों, मैया यशोदा ने जब देखा कि कन्हैया ने यह नुकसान कर दिया है,
तो हाथ में सांटी लेकर के उसे दंडित करने के लिए चली, और कन्हैया दौड़ करके भाग करके आगे आगे, मैया पीछे पीछे। लेकिन भगवान मैया कह रही है आज तो कुछ छोड़ूंगी ना, ये गोपियां ना सही कहती थी आकर के, मैंने तो उनकी बात को माना ही नहीं, आज पता चला जब मुझसे बीती है। और तभी पता चलता है जब स्वयं बीतती है, दूसरे से क्या बीत रही है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, दूसरे के साथ जो हो रहा है होने दो, जब अपने साथ में होता है तब पता चलती है, तब आंखें खुलती हैं कि हाँ सही है। श्री राधे। और ये 1100 रुपए श्रीमान कपिल शर्मा, 200 रुपए गौरांश सनोप हरेंद्र सिंह चक्की वाले, 200 रुपए दिव्यांशी सनोप हरेंद्र चक्की वाले कथा में दान कर रहे हैं। भगवान इनकी सही मनोकामना पूर्ण करें। बोलिए गोविंद भगवान की जय। और यशोदा मैया की आंखें खुल गई कि सही कहते थे ये गोपियां, अवश्य करता आग, लेकिन पकड़ कैसे लेगी भगवान कन्हैया, आगे मैया पीछे, पकड़ में ही नहीं आ रहा है। थक गई बेचारी, बैठ गई कन्हैया से, कहने लगी देख अब तो को मारूंगी ना, माखन को समय है, गयो तेरो जल्दी आजा, रोटी माखन खिलाऊंगी तो को, नंद बाबा नहीं तो मुझे डांटेंगे। मैया को भगवान देख रहे हैं बड़े प्यार से बुला रही है, लेकिन समझ रहे हैं ये प्यार से बुला के पकड़ लेगी हमको। लेकिन भगवान ने कहा मैया तू अगर सांटी को हाथ में से फेंक दे तो मैं तेरे पास आ जाऊंगा। मैया ने सोचो मन में या सांटी को फेंक दूं, पकड़ में आ जाएगा तो फिर तो छूट ना पाएगा, और जब पकड़ में आ जाएगा ना तो फिर लेके जाऊंगी इसे, वहां सांटी ले लूंगी, जब पिटाई करूंगी आके। तो सांटी दूर फेंक दी मैया ने, लाला ने देखो मैया ने सांटी फेंक दी, अब मारेगी ना, इसलिए प्रेम से आकर के पास बैठ गयो। देख मैया तू बहुत थक गई होगी, मैंने तुझे परेशान की है ना। मैया ने एकदम से हाथ पकड़ा कस के, अब बूढ़ी तो थी, अब कस के हाथ पकड़ या छूट ना जाए, अब खींच के ले जा रही, अब देखूंगी तो, और ले जाकर घर के आंगन में उखल से बांध रही है, दो अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती है। यहाँ भी ऐश्वर्य शक्ति भगवान की और माता यशोदा की प्रेमत्व शक्ति, दो शक्तियां लड़ रही है, इसलिए दो अंगुल छोटी है रस्सी, लेकिन प्रेमत्व शक्ति की विजय हुई तो यह बंध गई। जब बन गए ना तो मैया कह रही है धूप में यही खड़ा रखूंगी तो को, रोटी ना दूंगी माखन भी ना दूंगी, अब पता चलेगी तो को कि माटी कैसे खाएंगे। यशोदा रानी अपने काम में लगी, कन्हैया ने उखल को नीचे गिराया और नीचे गिरा करके खींचना प्रारंभ किया, और जैसे खींचा यमला अर्जुन के दो वृक्ष थे उनके बीच में होकर के निकला, अटक गया, और जैसे ही अटका झटका लगाया दोनों वृक्ष नीचे गिर गए, और उनके अंदर से दो बड़े सुंदर पुरुष निकले महाराज, जो कि भगवान की बहुत सुंदर स्तुति करने लगे। आज भगवान को बहुत सुंदर मनाया है इन्होंने, आज या दोनों ही भगवान की जो स्तुति करने वाले हैं, यह कुबेर के पुत्र हैं नलकुबर और मड़गरी। एक बार यह अप्सराओं के साथ में गंगा के पवन पावन तीर्थ में नगिन अवस्था में स्नान कर रहे थे, देवल ऋषि के आने पर इन्होंने अप्सराओं ने वस्त्र पहन लिए, उन्हें प्रणाम किया, लेकिन यह उसी भांत खड़े रहे। उन्होंने श्राप दिया मूर्खों, किसी संत महात्मा ब्राह्मण का सत्कार करना तुम नहीं जानते हो, तुम्हें बहुत अहंकार है ना अपनी इस देह का, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ जैसे कि वृक्ष किसी को झुकता नहीं है, उसी भांति तुमने झुक करके प्रणाम नहीं किया है, वृक्ष की भांति खड़े रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जाओ वृक्ष योनि में चले जाओ। अब इन्होंने प्रार्थना की, प्रभु गलती हो गई, तो नारद जी ने कहा द्वापर युग के अंत में भगवान कृष्ण तुम्हारा उद्धार करेंगे, और आज भगवान के हाथों इनका उद्धार हुआ और अपने धाम के लिए चले गए। प्रेम से बोलेंगे गोविंद भगवान की जय हो। और ये 500 रुपए श्रीमान विनय कुमार पत्रकार, और 500 रुपए विनीता कथा में दान कर रहे हैं, भगवान इनकी सभी मनोकामना। नंद बाबा ने डांटा यशोदा रानी को, अकेला लाला है, क्यों बांधा था तू इसने, क्यों बांध कर गई इसे, अकेला छोड़ करके वृक्षों के नीचे दब जाता क्या होता। मैया यशोदा को भी ख्याल आया आज के बाद नहीं करूंगी ऐसा, बड़ा दुख हुआ है, और सुनो मैं अब इस यहाँ नहीं रहूंगी, यहाँ मेरे लाला पर आए दिन कोई ना कोई संकट होता है। पंचायत की, ब्रजवासियों की, नंदों की, सभी पंचायत में एक ही फैसला है, जब कृष्ण भी जाएगा यशोदा जाएगी नंद बाबा जाएंगे तो हम भी चलेंगे।
यहाँ एक फल बेचने वाली आई, भगवान ने इस पर बड़ी कृपा की है और प्रातःकाल अपने बैलगाड़ियों में सामान लाद करके ये चलने लगे यमुना के किनारे 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 किनारे। एक बहुत सुंदर उपवन में जाकर डेरा डाला है इन्होंने। देखिए इस उपवन का नाम बड़ा प्यारा है, इस उपवन का नाम रखा गया है वृंदावन। यहाँ तुलसियों का बहुत घना घना जंगल था, घना वन था, जहाँ बड़ी महक आती थी। तुलसियों का पावन सुंदर यमुना के किनारे उपवन होने के कारण इस स्थान का नाम वृंदावन पड़ा है। और देखिए वृंदावन में भगवान आकर रह रहे हैं। पांच योजन पर्यंत दिव्य धाम, भगवान का नित्य आश्रय अपना घर है वृंदावन। ठाकुर जी का स्वयं का घर अपना। एक बार की बात है, भगवान ने तीर्थों का राजा प्रयागराज को बना दिया। जैसे कि राजा होता है उसके ऊपर बड़ा राजा, उसके ऊपर महाराज, ऐसे ही जो तीर्थों का महाराज है वो प्रयागराज है, सारे तीर्थों का। और सारे तीर्थ प्रयागराज को कर भी देते हैं आज भी, लेकिन वृंदावन कभी कर देने नहीं गया तीर्थ राज प्रयाग को। बड़ा दुख हुआ है, दुनिया के बड़े बड़े तीर्थ मुझे कर देने आते हैं क्योंकि मैं सम्राट हूं, लेकिन ये छोटा सा वृंदावन कर देने नहीं आता। इसलिए ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी उसे लेकर भगवान शंकर के पास आए, भगवान शंकर भगवान विष्णु के पास गए। कन्हैया के पास में जब आए तो कहा तुमने मुझे तीर्थों का राजा बनाया, लेकिन ये वृंदावन तो कर ही नहीं देता मुझे, ये अपमान ही कराना था तुम्हें मेरा, तो राजा क्यों बनाया, तीर्थों का महाराज क्यों बनाया। लेकिन भगवान ने कहा पगले, मैंने तुझे तीर्थों का राजा बनाया था, अपने घर का राजा थोड़ी बनाया था। ये वृंदावन तो मेरा हृदय स्वरूप, मेरा अपना घर है, और मैंने तुझे तीर्थों का राजा बनाया, अपने घर का राजा नहीं बनाया। मेरे घर का राजा तो मैं स्वयं हूँ, अपने घर में तो मैं स्वयं रहता हूँ, वृंदावन में तो जहां मैं हूँ वहां तुझे कर देने कौन जाएगा। और जहां कृष्ण है, जहां भगवान है, वहां सर्वस्व है। इसलिए वृंदावन ने आज तक किसी को कर नहीं दिया है। ये वृंदावन तो अलग है दुनिया से, बड़ा पावन है, मेरे गोविंद का हृदय स्वरूप है ये वृंदावन, उनका स्वयं का अपना निज निवास है, निज स्थान है वृंदावन। वंदे वृंदावन धाम वृंदावन तीतवम, वृंदावन लता गुल्मा वृंदावन भुवो रजह, वृंदावन की रज, वृंदावन की लता, वृंदावन का कण कण आनंदमय है। वृंदावन भवान जीवान, वृंदावन के अंदर रहने वाला प्रत्येक जीव आनंदमय है। वृंदावन भवान जीवान वृंदावन जगो सिकाह, वृंदावनेश्वरी गृष्टम वृंदावन बिहारिणम। वृंदावन में श्री किशोरी जी भ्रमण करती हैं, वह है वृंदावन। जहां ब्रज रज में आनंद लेते हैं भक्त, वह है वृंदावन। जहां उस ब्रज रज में मृत्यु होने के बाद भगवान के धाम जाता है जीव, वह है वृंदावन। ऐसा है पावन वृंदावन। इस वृंदावन में आकर के भगवान ने वृतासुर नाम के दैत्य का उद्धार किया है। यमुना के तट पर एक बकासुर बगुले का भेष बनाकर के आने वाले दैत्य का उद्धार किया है। ठाकुर जी अब बड़े हो गए थोड़े से, तो मैया यशोदा से कहा है अब मैं गाय चराने जाया करूंगा, तू मुझे गौचारण का मुहूर्त निकलवा दे। लेकिन मैया ने कहा नहीं, अभी तू छोटा है, जब जिद की तो बछड़े चराने का मुहूर्त निकलवा दिया है। अपने छोटे छोटे ग्वालों के साथ छोटे छोटे बछड़े ले जाया करना। तो देखिए बछड़े चराने जाते हैं भगवान, घर घर से टोसा ले जाते हैं ग्वाल बाल, क्योंकि घर घर का माखन खाने की आदत थी ना, इसलिए बोल दिया तुम्हारे ही घर का खाऊंगा। सभी टोसा ले जाते हैं कन्हैया के लिए, बड़े प्रेम से माखन भोजन करते हैं, बड़े प्रेम से रहते हैं, बड़े अच्छी तरह से बछड़ों को चराते हैं। एक दिन कंस का भेजा हुआ दैत्य अघासुर आया है, सर्प का भेष बना करके मार्ग में मुंह खोल के बैठा है, पर्वत जैसे आकार का, जैसे कोई गहरी गुफा हो। ग्वाल वालों ने जिद की और उसी गुफा में अंदर भोजन करने के लिए प्रवेश किया है, लेकिन नहीं, जब तक भगवान नहीं गए तब तक वह मुख बंद नहीं किया गया।
और जैसे भगवान उसके अंदर गए, गले पर ही बैठ गए, अघासुर ने मुख बंद किया, और जैसे मुख बंद किया है अब तो सारे ग्वाल बाल बेचारे विष के कारण परेशान होने लगे। मेरे गोविंद ने आज घबराते हुए ग्वाल बालों को देखा, अपने शरीर को बढ़ाया, अघासुर का मस्तक फाड़ दिया है, गोविंदाय नमो, और उसे मार डाला। सभी ग्वाल बालों को खींच खींच करके बाहर निकाला है, लेकिन बहुत भयंकर विष होने के कारण ग्वाल बाल बेचारे अस्त पस्त हो गए थे। वहां भगवान ने देवताओं से अमृत सुधा की वर्षा कराई है अपने ग्वाल बालों के लिए। और जब अमृत सुधा की वर्षा हुई ना, तो देखिएगा यहाँ सारे के सारे ग्वाल बाल बिल्कुल स्वस्थ हो गए। लेकिन उसके बाद में यह सभी सखा ग्वाल बाल भोजन कर रहे थे, तो स्वामी सुखदेव जी ने कहा है, आज मधुमंगल के घर का भोजन खाने की मन में भावना भगवान के जागी, और भगवान ने कहा ग्वाल वालों में आज मधुमंगल के घर का भोजन करूंगा भैया। लेकिन वही मधुमंगल ने वो खट्टी छाछ 3 दिन की जो रखी थी अपने मुंह से लगा करके ना मलेरिया को फेंक दिया है, क्योंकि यह 3 दिन की खट्टी छाछ है, कृष्ण खाएंगे और उसे खा करके उनका मुंह खट्टा हो जाएगा। लेकिन भगवान को जिद है कि मधुमंगल के घर का ही भोजन करूंगा, और मधुमंगल कह रहा है आज तो नहीं करा सकता, लेकिन फिर कभी तुझे जिद ही है तो कभी लेकर आऊंगा, अच्छा भोजन बनवाऊंगा, तुझे करा दूंगा। लेकिन नहीं, नहीं, भगवान आज मधुमंगल के मुख को पकड़ करके अपनी जिभ्या से चाट रहे हैं जो अधूर जो छाछ लगी है उसके मुख पर। और उसी समय साथियों ब्रह्मा जी ने आकर यह दृश्य देखा है कि यह कैसा भगवान है भाई। ब्रह्म होकर के यह बच्चों बालकों का ग्वाल वालों का मुंह चाट रहा है, यह भगवान तो नहीं हो सकता है। ब्रह्मा जी ने परीक्षा लेने के लिए आज जो उनके ग्वाल वालों को पर्वत में छिपा दिया है, लेकिन भगवान ने देखा यह ब्रह्मा जी ने परीक्षा लेना चाहा है मेरी, इसलिए वह जानते थे कि ग्वाल बछड़े कहाँ है। लेकिन उन्होंने उनको नहीं बुलाया, अपने अंदर से जैसे के तैसे ग्वाल बाल बछड़े बनाए और आना जाना होता रहा। लेकिन एक बात और है, जब यशोदा मैया के जब यह कन्हैया को देखती थी ना ब्रजंगनाएं गोपियां और यह गायें, तो इनके मन में एक लालसा उठती थी कि ये कृष्ण जो है हमारे माँ यशोदा का जैसे दूध पीता है, यह हमारे भी हमारा भी दूध पीता अगर हमारा पुत्र होता तो। और ऐसा ही गायों की भावना होती है, हम भी अपने स्तनों का दूध पिलाते इन्हें। भगवान ने सभी ब्रजवासियों के मन की इच्छा को पूरा करने के लिए यह ग्वाल और बछड़े बन करके आए हैं, अन्यथा यह सामर्थ्यवान थे, वह ग्वाल वाल जो छिपे हुए थे ना उनको भी ला सकते थे ढूंढ कर, नहीं आज भगवान स्वयं अपना रूप रख करके जितने बछड़े थे गायों के सभी बछड़े बने और ग्वाल वाल बने, और ब्रज के सारे ग्वाल बाल बछड़े बन करके सभी माताओं को तृप्त किया, आज उन्होंने सबका दूध पिया, सबको कृतार्थ कर दिया है। ऐसा सुंदर एक वर्ष हो गया इस दृश्य को चलते चलते, ब्रह्मा जी आकर के देख रहे हैं, देखूं तो सही कि उस नंद के लाला का क्या हाल है। लेकिन यहां आकर देखा तो वह ग्वाल बाल गाय चरा रहे हैं या बछड़े चर रहे हैं, ग्वाल बाल भी हैं कन्हैया भी हैं, लेकिन वहां पर्वत में जाकर देखा तो वहां जैसे के तैसे ग्वाल बाल बछड़े हैं। अब ब्रह्मा जी बड़े अफसोस में पड़ गए, क्योंकि यह तो बड़ा पंगा खतरनाक जगह पर ले लिया है। यह परम ब्रह्म परमात्मा है, सर्वस्व सर्वेश्वर, दुनिया का सर्वेश्वर। ब्रह्मा जी देख रहे हैं मैं तो छोटा सा इनका सेवक हूं, अगर इनके दिमाग में आ गया कि इस ब्रह्मा को हटा दो, दूसरा ब्रह्मा यहाँ पर तैयार करो, तो यह पल मात्र में मेरा सिंहासन छुड़ा लेंगे, मुझे फेंक देंगे उठा करके और वहां दूसरा ब्रह्मा तैयार हो जाएगा, इनके लिए क्या है। लेकिन हाथ जोड़ करके चरणों में बैठ गए आकर, या कैसे भी वार्ता हो जाए ना, बातें हो जाएं, तो देखिए बात होने से हल निकल आता है। अब झगड़ा हो जाए लड़ाई हो जाए कहीं विशेष बात, देखिए ध्यान देने की बात है, अगर झगड़ा हो जाए लड़ाई हो जाए और लड़ाई झगड़ा होने के बाद में बातें करना बोलचाल बंद हो जाए, बातें बंद हो जाए, तो वो झगड़ा कभी भी सुलह नहीं कर सकता।
हाथों की बातें ही नहीं हो रही। अब उसके लिए रिश्तेदार नातेदार पड़ोसी अड़ोसी ये सब चाहिए सुलह कराने के लिए। अगर झगड़ा होने के बाद भी बातें होती रहें, बातें का मतलब समझ रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो गया तो घर तो कोई नहीं जाएगा उसको। बातों का मतलब है राधे राधे राम राम होती रहे। कभी भी कितनी भी लड़ाई किसी से हो जाए, कितनी भी लड़ाई, लेकिन राधे राधे राम राम होती रहनी चाहिए। वो नहीं कर रहा है मत करे, लेकिन तुम करते रहो। एक दिन दो दिन चार दिन दस दिन महीने साल वह जरूर करेगा, उसका उत्तर जरूर देगा राम के नाम का। और जब मानो कि वह राधे राधे करने लगा, बोलने लगा राधे राधे, तो फिर सुलह अपने आप हो जाएगी। आज राधे राधे, फिर राम राम, फिर कुछ और, फिर कुछ और, फिर कुछ और, धीरे धीरे सुलह अपने आप हो जाएगी। किसी रिश्तेदार किसी पड़ोसी की आवश्यकता नहीं हो जाएगी या नहीं। और राम राम ही करना बनना, क्योंकि राम के नाम की मर्यादा अमर रहती है, भक्त निकल जाता है बात अमर। इसलिए राम के नाम में वह शक्ति है, भगवान के नाम में वह शक्ति है, वह पावर है। अगर तुम उसे करते रहो तो वह सुलह भी करा देता है। इस्तेमाल करके देखना, कभी झगड़ा किसी से हो जाए ना, झगड़ा लाठी मार या गोली मार मत कर देना, ऐसा झगड़ा मत करना। कभी किसी से हो जाए बातों में, बातों का नहीं, मैयाओं का तो वैसा ही झगड़ा हो जाता है, फूल के बैठ जाती है एक दूसरे से कि तूने यह नाली का पानी यहाँ मेरे तरफ कर दिया जा रखे है, कि तूने इधर सरका दिया, बस यही बात पे भूल जाए। और सुनो, लेकिन झगड़ा हो भी जाए ना कभी किसी दिन किसी पे, तो कदापि बोल चाल बंद मत करना, राम राम जरूर करना। प्रातः जग के दिख जाए ना राधे राधे, चाहे वो दूसरे वाला करे या ना, राधे राधे राम राम राधे राधे करते रहना। मेरी गारंटी है, अगर सुलह अपने आप न हो जाए, अपने आप सुलह न हो जाए तो शर्त है फिर मुझे कहना कि दाजी तुमने कहा, हमने तो राधे राधे खूब की, सुलह नहीं हुई। अवश्य हो जाएगी, राम के नाम में वह शक्ति वह पावर है। समझौता करा दूसरा अड़ोसी पड़ोसी सांसारिक व्यक्ति, तो जब समझौता करा रहा है तो परमात्मा समझौता नहीं करा सकते। इसलिए ब्रह्मा जी वही कर रहे हैं कि अगर मैं इनसे बोल चाल बनाए रखूं और ये बोल लें थोड़ी बात कर लें तो सुलह हो जाएगी। और इसलिए उन्होंने भगवान बात नहीं करने लेते, गुस्से में है ना बैठे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा बड़े दयालु हैं, विष पिला करके मारने के लिए आई पूतना उसे मुक्ति दे दी, बड़े दयालु हैं। बेचारे ग्वाल बाल माखन खिला रहे हैं, इन्हें क्या मिलेगा। देखिए एक विष पिलाने वाले को मुक्ति दे रहे हैं यार, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कैसे भी बोल तो जाए, यशोदा मैया तो माखन खिला रही है, इसे क्या मिलेगा बेचारी को। जब विष पिलाने वाले को मुक्ति है तो इसे क्या मिलेगा जो माखन खिला रही है। भगवान कन्हैया ने कहा मुक्ति दूंगा मैं इसे, क्योंकि मुक्ति से बड़ा तो कोई मेरे पास में उपाय नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा चलो कह तो दिया कि मुक्ति दूंगा, सुलह भी हो गई, प्रार्थना भी की, ब्रज की परिक्रमा ब्रह्मा जी ने ही लगाई, प्राश्चित किया, परिक्रमा की, ब्रजवासियों की मिन्नतें की, फिर भी श्राप मिल गया। भगवान ने कहा तुमने बहुत गलत किया है, तुमने मेरे अपनों को मुझसे दूर रखा है, इसलिए ब्रज में तुम्हारी पूजा ब्रह्मा कोई नहीं करेगा। लेकिन चलो पूजा नहीं हो तो क्या बात है, ब्रह्मा जी ने कहा हमारा पद तो कम से कम रहा, सुलह हो गई, वार्ता हो गई, सुलह हो गई, पद रह गया ब्रह्मा जी का, बच गया। पूजा नहीं हुई तो कोई बात नहीं है, पद बना का बनाया आज तक चले गए साथियों। इसलिए मेरा आपसे कहना है बस प्रार्थना, इस कथा से यह शिक्षा लेना, जीवन में कोई अनमन हो जाए, पति पत्नी की भी हो जाए तो भी करके देख लेना। दो ही दिन में सुलह, इतनी शक्ति है राम के नाम में, बहुत ही पावन सुंदर भाव। आगे देखिएगा भगवान ने बहुत सुंदर लीला किया। एक दिन की बात है, एक धेनकासुर नाम का दैत्य रहता है, इसका वध किया, ताल भुवन नाम के वृक्षों को ब्रजवासियों को खिलाया, और उसके बाद में
भगवान ने कालिया नाग यमुना में रहता है उसे मारने के लिए, उसका मर्दन करने के लिए, उस विष से युक्त भरी हुई जल को पावन करने के लिए भगवान ने गेंद बल्ले का खेल श्री दामा से गेंद लेकर के काली दह पर ग्वाल वालों को लेकर के किया है बड़े सुंदर भाव में। आइएगा बड़ा सुंदर भाव। आज काली दह पर भगवान गेंद खेल रहे हैं। अरे काली दह पे खेलन आयोरी मेरो बारो सो कन्हैया, काली दह पे खेलन आयोरी मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, काली दह पे खेलन आयोरी मेरो बारो सो कन्हैया, काली दह वाली मैयन को नंबर तुम खड़ी है कि नहीं, तुम्हारे घुटने में जंग लग गई होगी, इन्हें सीधे कर लियो थोड़ा, ये बैठी रह जाए तो हमारी भूतपूर्व परीक्षरानी को कैसी बैठ गई, पिछली बार तो खड़े तुम घूम के नाच रही, अब की बार ना खड़ी हो बिल्कुल लेके काऊ है। अरे छोटो सो समरिया मेरो बारो सो समरिया, मेरो छोटो सो समरिया मेरो बारो सो समरिया, काली दह पे खेलन आयोरी मेरो बारो सो समरिया, काली दह पे खेलन आयोरी मेरो बारो सो। जय हो सब सखा संग में बाल बाल जब सखा सखीगे, बाल बाल सब सखा संग में बाल बाल, यानी गेंद को खेले रचायोरी मेरो बारो सो बनिया, यानी गेंद को मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, काली काली दह पे खेलन आयोरी मेरो बारो सो कन्हैया, काली
की पट गेंद बनाई, काहे 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 को बल्ला लायोरी निर्बारो सतिया, मेरा पारो सो कन्हैया, मेरा छोटा सो कन्हैया, मेरा पारो सो कन्हैया, मेरा छोटा सो कन्हैया, काली देते खेलन आयो री, मेरा पारो सो कन्हैया, काली देते आयो री, रेशम की पट गेंद बनाई, 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 चंदन को डंडा लायो री, मेरे बारो सो कन्हैया, काली मेरे पे लठे आयो री, बारो सो कन्हैया, हर मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, काली देते खेलन आयो री, मेरो बारो सो कन्हैया, काली देते खेलन आयो री, मेरो बारो सो कन्हैया, आयो री मेरा।
वृंदावन बिहारी नाथ की जय हो। और ये 251 रुपए कृष्णा शर्मा की माताजी अंजना शर्मा, 501 रुपए निधि शर्मा जयपुर से, 500 रुपए प्रमोद सेक्रेटरी साहब एक भक्त लोग कथा मैदान कर रहे हैं, भगवान इनकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। बोलिए गोविंद भगवान की जय। गेंद खेलते हुए भगवान ने गेंद को यमुना में फेंक दिया, वहीं यमुना में अपने सखा के लिए गेंद लेने गए। नाग पत्नियों को जाकर कहा भगवान ने, ये नाग है ना कालिया, इससे बातें करने आया हूं, इसे जगा दो। लेकिन नाग पत्नियों ने कहा, यह बड़ा प्यारा बालक है, बड़ा अच्छा बालक है, हमारा नाग जग गया ना तो इसे डस लेगा, यह मर जाएगा, इसकी माँ भी रो रो कर मर जाएगी, इसलिए कह रही है बेटा चला जाए यहां से तू। लेकिन भगवान ने कहा तुम इसे जगा दो, इससे बात करनी है मुझे। लेकिन नागपत्नियों ने नन्ना सा बालक देख करके कोई ध्यान नहीं दिया। भगवान ने स्वयं ही जाकर के कालिया नाग में लाद का प्रहार किया, वो फन फना करके जागा। सहस्त्र भुजा माने 1000 मुख थे इस कालिया नाग के, भगवान को बांध लिया। लेकिन मेरे प्रभु ने शरीर बढ़ाया और जैसे शरीर बढ़ाया तो इसने छोड़ दिया और निकल करके फनों पर सवार त्रिलोकी नाथ परम ब्रह्म परमात्मा जिस फन पर लात मारते हैं वही टूट जाता है, नीचे रुधिर निकलता है। और इधर उधर नाच रहे हैं कूद रहे हैं, कालिया नाग की हालत खराब हो गई। नाग पत्नियों ने देखा यह छोटा सा बालक समझा था, लेकिन यह बालक नहीं है, झोलियां फैला करके कह रही है रक्षा करो स्वामी हमारे पति देव किया। भगवान ने कहा मैं इसे छोड़ दूंगा, पहली शर्त तो यह है तुम लोगों को यहाँ से जाना पड़ेगा यमुना के जल से बाहर निकल कर, या यमुना का पवित्र जल तुमने दूषित कर दिया, यहाँ से जाना होगा और रमणक द्वीप के लिए। दूसरी बात पीछे मुड़ के कहीं देखोगे नहीं, अगर देख लिया तो वहीं पत्थर का बनना पड़ेगा। और तीसरी बात यह है आप मुझे लेकर के चलो छोड़ के आओ। और वही शर्त मंजूर हुई, काल या नाग के फनों पर सवार होते हुए भगवान निकल के आए वेणु बजाते हुए। तो आज मैया यशोदा ग्वाल बाल नंद बाबा सभी बेहाल अवस्था में रो रहे थे, कन्हैया आकर के मिले सबको सांत्वना दी, रमणक द्वीप के लिए चला गया। लेकिन जेत में जाकर इसने देखा कि वो मोर पंख वाला बांसुरी वाला जो कृष्ण था ऐसा तो नहीं है कि कहीं मुझे वहां ले जाकर के ज्यादा पिटाई करे। और मन में आया कहीं पीछे तो नहीं आ रहा, देखूं जरा। और जैसे पीछे मुड़ के देखा ये वही पत्थर का बन गया है। बोलिए नाग नथैया भगवान की। और यहाँ ठाकुर जी ने आज बड़ी सुंदर लीला की। एक दिन भगवान अब बड़े हो गए तो गायों को भी चराते हैं। तो एक दिन भगवान कीड़ा सकते सुगो पे सु तदगबो दूर चारणी। एक दिन भगवान कृष्ण ग्वाल वालों के साथ में गायों को लेकर दूर निकल गए। मुंज वन में इनकी गाय आ गई और देखिए मुंज वन में आग लग जाती है, भयानक आग लगने से राम श्याम ग्वाल बाल जोर से चिल्ला रहे हैं। तो भगवान ने दावा अग्नि का पान किया और भगवान ने इन ब्रजवासियों का संकट निकाला और भांडीर वन में इन्हें लेकर के आ गए। उसी समय वर्षा ऋतु का आगमन हो गया है। सुखदेव जी ने कहा घनघोर वर्षा हुई, उसकी बाद में वर्षा ऋतु बंद हो गई। तो भगवान ने एक बड़ा सुंदर दृश्य किया है, नाटक किया है। देखिए इन्होंने नट बन करके पैरों में बांस बांध लिए हैं, कानों में कनेर के फूल लगे हैं, मोर पंख बना है, मुरली हाथों में है, कला मारते हुए जैसे नट जैसे कलाएं करते हैं उस आधार से लीलाएं की ब्रज मंडल की ओर आ रहे हैं। और देखिए ब्रज गोपिकाओं पर इस सुंदर सी छवि का इतना सुंदर असर पड़ा है, या सभी ब्रज गोपिकाओं ने कात्या यानी माता का कार्तिक पूर्णमासी व्रत आरंभ किया। यमुना के जल में या नहा करके अरुणोदय काल में और वहीं बालू की प्रतिमा बना करके माता कात्यायनी की पूजा करती है और मंत्र का जाप करती है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति मे कुरते नमः। हे मां ये नंद का लाला है ना यशोदा का, इसे हम पति रूप में देखना चाहती हैं। यह हमारा पति हो, यह हमारा अपना हो जाए।
लेकिन ये भूल करती हैं, 108 बार इसी मंत्र का जाप करती हैं। लेकिन देखिए कार्तिक पूर्णिमा में पवित्र मन श्रद्धा से, वासनाएं जिसके अंदर न हो, जो कन्या 108 बार इस मंत्र का जाप करती है तो उसे अभीष्ट माने सुंदर सद्गुण वाले पति मिलता है, वर मिलता है सद्गुण वाला। लेकिन जिस समय यह व्रत चल रहा हो उस समय वासनाएं नहीं होनी चाहिए, मन सात्विक होना चाहिए, सदाचारी होना चाहिए, केवल माता कात्या यानी कि आराधना मन में होनी चाहिए और इस भांति प्रातः अरुणोदय से पहले स्नान किया जाए और उसके बाद कात्यायनी माता की प्रतिमा के सामने 108 बार इस मंत्र का जाप किया जाए और पूरे दिन उन्हीं के उसमें रहें। यह गोपियों ने किया है लेकिन प्रतिदिन की भांति यह नगिन अवस्था में स्नान करती हैं जल में। भगवान कृष्ण ने आज इनके वस्त्र लेकर के कदम के वृक्ष पर टांग दिया और वहीं मुरली बजाने लगे। तो गोपियाओं ने देखा है कन्हैया को मुरली बजाते हुए तो आज मन में विचार आया है यह तो हमारे वस्त्रों को लेकर चला गया। अब भगवान कन्हैया को देख करके कह रही हैं गोपियां, अरे ओ कृष्णा हमारे वस्त्र दे दो हमें, हम जल में शीत लहरें हैं सिकुड़ रही हैं, जाड़ा पड़ रहा है, हमारे वस्त्र दे दो। भगवान ने कहा मन कब कर रहा हूं मैं, आओ निकल के बाहर वस्त्र ले लो अपना। गोपियों ने कहा हम नगिन अवस्था में हैं, ऐसे कैसे बाहर आ जाएंगी, आप हमारे वस्त्र यहीं दे करके जाओ। भगवान ने कहा तो मैं तुम्हारा नौकर थोड़ी हूँ जो तुम्हारे वस्त्र देकर जाऊंगा, अरे वस्त्र लेने तो जल से निकल के मेरे पास आ जाओ और ले जाओ। गोपियों ने धमकी देना प्रारंभ किया, पहले तो धमकियों से मान जाए शायद आप ब्रज के आश्रयदाता हैं, नंद बाबा की बड़ी पहुंच है ऊपर तक और हमने जाकर के गांव में कह दिया कि वो हमारे वस्त्र लेकर के कृष्ण चुरा ले गया और जब ऐसा जाकर कहेंगे तो नंद बाबा की छवि का क्या होगा। भगवान कन्हैया ने कहा जो होगा देखा जाएगा, मैं तुम्हें वस्त्र देने नहीं आ रहा हूँ। गोपियों ने कहा कंस महाराज को जाकर सूचना कर दी जाएगी तुम्हारे विषय में। भगवान ने कहा बिल्कुल कर दो, कोई फर्क नहीं है, मैं वस्त्र नहीं देने आऊंगा। अब धमकियों से थक गई तो अब प्यार से कह रहे हैं आप ब्रज के आश्रयदाता हो, आपने तो कालिया नाग से हमारी रक्षा की, आपने न जाने कितने कितने बार हमें हमारे प्राणों को बचाया है, हमें संकटों से बचाया है, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा गोपियों यह चोपड़ी पतली बातें लगा करके तुम मुझे मोहित नहीं कर सकती हो, मैं तुम्हारे वस्त्र बिल्कुल कदापि नहीं देने आऊंगा, आपको जल से बाहर निकलना अगर वस्त्र लेना है तो। गोपियों ने कहा यह भी बेकार गया, बड़े प्यार से कह रही हैं हे कृष्ण हम आपकी दासी हैं, आप हमारे स्वामी हो, प्राण आधार हो और कोई भी स्वामी अपने सेवका के साथ ऐसा व्यवहार करता है। भगवान ने कहा देखने में तो नहीं लगता कि तुम मेरी सेविका हो और देखने में तो ऐसा लग रहा है कि तुम मेरी स्वामिनी हो, मैं तुम्हारा सेवक हूँ, क्योंकि तुम मुझे आदेश कर रही हो कि हमारे वस्त्र दे जाओ और मैं नौकर की तरह तुम्हारे वस्त्र देने जाऊं तो मैं तुम्हारा सेवक, तुम मेरी स्वामिनी। अगर तुमने मुझे स्वामी नहीं मान लिया है ना तो मेरा कहना है कि तुम जल से बाहर निकल के आओ और वस्त्र ले लो, क्योंकि सेवक तो वह होता है जो स्वामी की हर आज्ञा का पालन करता है। वैसे भी देखिए गोपियां जो हैं ये भगवान को पति रूप में देखना चाहती हैं लेकिन वासना रूपी गोपी या जीव भगवान को नहीं मिल सकता और गोपियों के वस्त्र चुराने का एक ही देह है भगवान का केवल। आत्मा पवित्र होती है तो भगवान से मिलती है, भगवान के पास जाती है, क्योंकि जब जीव या जब आत्मा पवित्र हो जाती है ऐसा कर्म करती है तो भगवान के धाम जाती है, मोक्ष मिलता है, वैकुंठ वासी परम पिता परमात्मा मिल जाता है इस आत्मा को। लेकिन बशर्ते यहां अगर कर्म गलत हो जाता है तो आत्मा भी भगवान से नहीं मिल पाती। अब ये आत्मकार भगवान का मिलन होता है केवल शरीर वासना वस्त्र बहुत ज्यादा श्रृंगार करके भगवान के सामने खड़े हो जाओ तो यह नहीं हमें चाहेंगे, या हम बहुत सुंदर गहने पहन करके जाएं तो हमें ज्यादा मानेंगे नहीं, बहुत सुंदर वस्त्र पहने तो नहीं, या बहुत सुंदर रूपमय बना करके जाएं तो नहीं, या वासनाओं का भूखा नहीं है, या प्रेम का भूखा है।
ये वस्त्र रूपी वासना है, अभिमान रूपी वासना है, कामना रूपी वासना रूपी वासनाओं का जब परित्याग करके जीव के पास में आता है तो यह मिल जाते हैं। मतलब जिसे अपने देह गेह का ख्याल न रहे, जिसे अपने शरीर की सुध बुध न हो, उसे परमात्मा मिलता है, उसे भगवान मिलता है। और गोपियों का बिल्कुल वैसे ही वास्तव भाग बन गया है कि उन्हें बिल्कुल अपने शरीर की सुध नहीं रही है। हम कौन है, हमने हम क्या करने आए हैं? हमें तो केवल कृष्ण को पाना है, संसार में केवल कृष्ण है। और ऐसा समझ करके गोपियां जल से बाहर निकल आई, बिल्कुल भी कृष्णमय है। और जब जीव को यह कृष्णमय परमात्मा में संसार दिखने लगता है तो समझो कि वह भगवान का है, गोविंद का हो गया है। अब दुनिया में उसका और कोई है नहीं, केवल यही सारा यही है उसका। निकल के जल से बाहर आ गई गोपियां, आज भगवान ने वस्त्र दे दिए इनको। वस्त्रों को पहन करके गोपियां फिर भी खड़ी हैं, उन्हें कोई अपना सुधी नहीं है क्योंकि वो कृष्णमय हो गई हैं। उन्हें अपने शरीर की कोई, जो शरीर की वासनाएं हैं, शरीर से जो संबंध जिनका है, जब शरीर का ही ख्याल नहीं है तो शरीर से रखने वाले संबंध का क्या ख्याल कैसे आएगा। इसलिए वह तो कृष्णमय अब खड़ी है। भगवान ने फिर उन्हें कहा है तुम घर जाओ अपने, लेकिन जब उत्तरित पूर्णिमा की अर्धरात्रि के बेले में मैं तुम्हें बैडू वादन करके बुलाऊंगा तो तुम आना मेरे पास, तब तुम्हारे मन की इच्छा को पूरा करूंगा। गोपियां चली गई। स्वामी सुखदेव जी ने कहा आज बहुत अच्छी प्रकार से ठाकुर जी ने गायों की सेवा की, गायों को चराया, ब्रज में लीला की। एक दिन भगवान की गायें चारा चुगते चुगते बहुत दूर यमुना के किनारे किनारे निकल गई। अरुणोदय काल में यह लेकर आए थे गायों को, इसलिए भोजन साथ में नहीं था क्योंकि विशेष पूजा घर पर थी आज, इसलिए भोजन नहीं मिला। और लेकिन भगवान कृष्ण को भूख लग रही थी तो कुछ ब्राह्मण यमुना के किनारे यज्ञ कर रहे थे। आज ग्वाल वालों को वहां भेजा भोजन के लिए, तो उन ब्राह्मणों ने भगवान के लिए भोजन देने से मना कर दिया। ठाकुर जी ने पुनः भेजा ब्राह्मण पत्नियों के पास, तो देखिए उन ब्राह्मण पत्नियों को बड़ी दया आई कि भगवान कृष्ण आए हैं। जन्म जन्म मुन जतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। यह जीव मुनिवर जन्म जन्मांतरों तक तपस्या करते करते चले जाते, लेकिन कृष्णमय कृष्ण परम ब्रह्म का दर्शन भगवान दर्शन नहीं देते इसे, जब तक कि इसके पाप क्षय नहीं हो जाते। कितने भी जन्म तपस्या करता रहे तब तक परमात्मा का दर्शन नहीं होता। लेकिन यहाँ भगवान साक्षात हमारे घर आए, हमारे यहाँ आए और हम वंचित रह जाएं दर्शनों से, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए थालियां भरकर भोजन परोस करके उनके लिए भागी चली गई बेचारी, बिना पतियों की आज्ञा के भगवान के पास में आई है। तो भगवान ने इनका बड़ा सुंदर स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग आशियताम करवाम किम। स्वागत किया ब्राह्मण पत्नियों को, बिठा ला, उन्होंने भोजन कराया भगवान को अपने हाथों से। और भगवान ने बड़ा सुंदर कहा आज, हे देवियों, तदया तदेव यजनम पतयो वो दुज्जाय स्वसत्रम पारसयंती युष्मा विग्रह में थी नहीं। तुम्हारे यह व्यंजन बड़े अच्छे हैं, तुम्हारा भोजन बड़ा अच्छा है, बड़ा आनंद आया। हे देवियों, ही माताओं, मैं बड़ा आभारी हूँ तुम्हारा, कृत कृत्य हो रहा हूँ, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ तुमसे। लेकिन सुनो, अब तुम लौट जाओ। भगवान बहुत स्नेह, बहुत प्रेम, बहुत मोह नहीं करते किसी से। ये भगवान की अपनी एक खास आदत है, ये बहुत ज्यादा मोह। देखिए गोपियों को कैसे छोड़ गए, यशोदा मैया कितना प्यार, सबको छोड़कर चले गए। इनका मोह नहीं है क्योंकि मोह के बंधन में दुख होता है, इसलिए मोह किसी से। कितना सुंदर सत्कार किया, प्रेम किया, बहुत अच्छा बनाया, बिठाला, बहुत अच्छी बातें की, लेकिन अब कह रहे हैं जाओ क्योंकि तुम्हारे पति इंतजार कर रहे होंगे यज्ञ के लिए, और तुम्हारे बिना गए वह यज्ञ पूरा नहीं होगा, इसलिए जाकर यज्ञ पूरा करो। ब्राह्मण पत्नियों ने कहा भगवान उनकी आज्ञा लेकर आए नहीं थे, जाएंगे तो ऐसा न हो कि वह हमें अपनाए ही नहीं। भगवान ने कहा जाकर देख लो, मैं यही हूं, नहीं अपनाए तो मेरे पास आ जाना।
वो दौड़ी दौड़ी गई। ये सभी ब्राह्मण है ना, उनके जो पति हैं हाथ जोड़ करके खड़े हैं, क्योंकि उन्हें बोध हो गया है कि भगवान के आने पर कोई विरला होता है जो पाप पुण्य पापमय होता है, जैसे कि परमात्मा के आने पर दर्शन न हो और भगवान निकल जाए, और उन्हीं में से हम हैं कि भगवान के यहाँ आने पर हम उनका दर्शन नहीं किया और तुम उनका दर्शन करने चली गई। इसलिए जिस पर भगवान की कृपा है उस पर सबकी कृपा होती है। ब्राह्मण पत्नियों ने को ब्राह्मणों ने अपना लिया और यज्ञ पूरा किया। भगवान लौट करके आए, आज गायों को गोष्ठों में किया। गौधूल की बेला थी, नगर से बड़ी सुंदर सुगंध आ रही थी, बड़ा सुंदर। सभी ग्वाल वाल सखा अपने अपने घरों में घुसे तो घर घर पकवान बन रहे थे। यशोदा मैया भी लड्डू बना रही थी बड़े सुंदर। भगवान ने लड्डू को उठा करके एकदम से खाने का प्रयास किया तो देखिए साथियों, एकदम मैया ने हाथ पकड़ के रोक लिया, ना 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 कन्हैया। क्यों? क्योंकि आज हमारे घर भगवान जी की पूजा होगी। अब कन्हैया ने देखा, मन में विचार किया, भगवान की पूजा होगी। हाँ लला, भगवान जी की पूजा। अब मन में विचार कर रहे, हमसे बड़ा भगवान कौन है जो कि जिसकी पूजा की जाएगी और हमें यह खिलाया नहीं जा रहा है, तो हम भूखे हैं और उसकी पूजा की जाएगी। अब भगवान ने विचार किया, पूछ ले मैया कौन से भगवान की पूजा होगी। अब मैया तो बेचारी बड़ी दुखी है, क्यों? काम कर रही है ना इसलिए। और अगर बता दिया कि इस भगवान की पूजा होगी तो यह बहुत नटखट है। क्यों होगी? कब से होती है? कैसे होती है? कहां से होती है? कैसे शुरुआत हुई? कब से किया? सारी बातों में उलझा लेगा, काम नहीं करने देगा। इसलिए मैया ने कहा, देख मैं नहीं जानती हूँ, मुझे कुछ ध्यान भी नहीं रहता, तेरे बाबा भली भांति जानते कौन से वाले भगवान की पूजा होगी, इसलिए वहां चला जा। बालक छोटा हो और जब चूल्हे पर पकवान बना रही हो ना घर का भोजन, वो आ जाए पास में, बातें करने लगे, बतलाने लगे मैया, तो जब ज्यादा परेशान करने लगता है ना तो क्या कहते, जब बाहर तेरे दादा दादी बैठे उनसे बात कर ले जाकर, वो बताएंगे तो ये सब, या तेरे पिताजी बैठे हैं बाहर, टाल देती है ना ऐसे। यशोदा मैया ने टाल दिया, जा वो नंद बाबा बताएंगे। और कन्हैया दौड़ के नंद बाबा की गोद में आकर बैठे, दाढ़ी पर हाथ फिराया, बड़े प्यार से चुम्बन किया भगवान ने बाबा का, और बड़े प्यार से कहने लगे, बाबा आज कौन से वाले भगवान जी की पूजा होगी। नंद बाबा ने कहा, प्रति वर्ष की भांति आज हमारे घर इंद्र भगवान की पूजा होगी। अच्छा, ये इंद्र भगवान की पूजा क्यों करते हैं? लगा दिया कि नहीं लगा दिया? अब नंद बाबा कह रहे हैं, लाला या इंद्र देवता है ना हमारे भगवान, जल बरसाते हैं। हाँ, जल वर्षा होती है तो चारा उगता है, घास फूस चारा होता है, और चारे को गाय खाती है, पेट भरती है, वही गाय दूध देती है, और दूध को बेचकर गाय का दूध जो होता है उसे दही माखन घी आदि मिलता है, हमारा परिवार चलता है, हम ब्रजवासियों का गुजारा होता है। इसलिए हमारा तो भगवान इंद्र है। भगवान कन्हैया ने कहा, जब वर्षा नहीं होती है और जब सूखा पड़ जाती है, जब कहीं भी चारा नहीं होता, तो फिर गाय कहाँ चारा चुगती है पता है? कहाँ चुगती है लाला? कन्हैया जी ने कहा, बाबा बड़े भोले हैं आप, लेकिन सुनो, जब कहीं चारा नहीं रहता, समाप्त हो जाता है ना, तो गोवर्धन बाबा की तलहटी में, वहां चारा रहता है, उस तलहटी में जाकर के गायों को चारा मिलता है, और वहां गाय चारा खाती हैं, तब दूध देती हैं ये। और ये इंद्र तो हमारे भगवान का एक छोटा सा सेवक है। हमारे भगवान जो करें ना वह कर सकते हैं इसके साथ, इसे तो जल बरसाना पड़ता है, वह आदेश करते हैं, उनके आदेश का पालन यह इंद्र करता है। इसलिए तुम्हारा जो भगवान है ना वास्तविक में वह गिरिराज है, ब्रज का राजा गिरिराज जी महाराज। नंद बाबा ने कहा, लाला ऐसा ना हो जाए कि कोई गलत काम हो जाए भैया, ऐसा न हो जाए हम ब्रजवासी हैं, इंद्र देवता रुष्ट हो जाए हमारे। कन्हैया जी ने कहा, अगर रुष्ट हो जाएंगे ना तो वाकई जिम्मेदारी हमारी है। ग्वाल वालों ने गोपों ने भी कहा है, मैया यशोदा ने तो डोली पिटवा दी आज, और बड़ा सुंदर कह रही है, मैं तो गोवर्धन को, कौन कौन चलना चाहे गोवर्धन को जरा हाथ ऊपर करिए।
एक बार गोवर्धन के लिए बड़ी बड़ी मैयन ने सलाह करी, हम जाएंगे गोवर्धन, बस कर ली, बस बस में बैठ के जा रहे हैं। बहुओं ने सोचा सास ही थोड़ी जानो जाने गोवर्धन, हम भी तो जाएं। अब बहू ने सलाह बनाई, हम भी चलेंगी। उन्नू सलाह बना ली बेचारी ने, जैसी सास गई ना आगे, एक दूसरी बस कर ली और वह बस में बैठ के बहू जाने लगी। और सुनो, जब बहू जा रही ना, तो जो सासुन की गाड़ी थी ना, परीक्षित महाराज को जन काको वो है, सबकी निगाना है नहीं पे। और होए क्यों ना, जब ब्याह है वे ना, दुल्हन और दूल्हे होते हैं ना, चाहे वो कैसे भी रूप के हों, उनसे सुंदर सुंदर भी जाते हैं वहां, दुल्हन और दूल्हे से भी, लेकिन सबकी नजर दुल्हन और दूल्हे पे ही होती है। और ऐसे इनके पास में या दूल्हा दुल्हन बड़े अच्छे बेचारे, सबकी नजर इन पे ही है। मेरी तरफ ध्यान ना दियो, का उन्हें कहा कह रहो, मैं कछु कह रहो ना, भूल गो, अब कहा बताऊ तुम क्या कह रहो, अच्छा बताओ, कछु कह रहा था ना मैं, नहीं पता। और बहू, हाँ, गोवर्धन के लिए बहू जा रही, सासु की गाड़ी आगे आगे, बहू बन की पीछे पीछे। अब लेकिन बहुओं ने कहा, थोड़ा पीछे पीछे ड्राइवर से चलाना, ये सास है ना हमारी, बड़ी खतरनाक है, इनसे पीछे ही रहना है। लेकिन एक ऐसा ब्रेक आया, ब्रेकर, वह जो सासुओं की गाड़ी थी ना, लुढ़क पुढ़क होकर के खाई में गिर गई। और जब खाई में गिर गई ना, बहुएं कहने लगी, सुनो ड्राइवर से, अब साइड से लगा लो गाड़ी किसी होटल पर, क्यों तुम तो गोवर्धन जा रही थी, हमारी तो परिक्रमा पूरी हो गई, अब तो पार्टी करेंगे, क्यों अब बैठी बैठी पार्टी कर रही, क्योंकि सासुन से फंदा कट गो। लेकिन अब एक बहू थी उसमें बेचारी, दूर बैठ के रो रही थी। बाकी बहुओं ने कहा, क्यों री तू काय को रो रही है, अब फंदा कट गो ना। वो कहने लगी, ना कम कत घर ही बैठी रह गई, जा मैं गई ना, मेरी जो सास थी ना, वो इस बस में नहीं आई, और मैं इसलिए रो रही हूँ कि वो आई क्यों नहीं, और आ जाती तो फंदा कट जाता, लेकिन वही रह गई, वो ना आई। मैंने बहुत कही, चली जा, अरे सब जा रही है, चली जा, लेकिन ना आई। फिर मैं पार्टी कैसे बनाऊ, मेरी तो अभी परिक्रमा रह गई है ना। तो देखिए, अब सब चलो परिक्रमा के लिए प्रेम से, धीरे धीरे सज धज करके गाते उछलते कूदते बैलगाड़ियों में सामग्री धर ली और आ गए गिरिराज जी के पास। और गिरिराज जी के पास आकर के नंद बाबा ने कहा, भैया अब तू भोग लगा, कहाँ लगा मैं तेरे भगवान को। भगवान ने कहा, नेत्र बंद कर लो, और नेत्र बंद करके ना ध्यान करो। ब्रजवासियों ने नेत्र बंद किए और देखिए भगवान अपना स्वरूप लेकर के गिरिराज में बैठ गए। आंखें खोली, बाबा ने, भगवान ने कहा, बाबा देखो यहाँ भोग लगाओ, मन सुखा धन सुखा श्री दामा, घूम करके आए और घूम करके आकर के पास में कन्हैया के कहने लगे, क्यों रे अभी तो यहाँ कोई मुख ना हो, लेकिन अब कहाँ से आ गया। कन्हैया कहने लगे, शांत चुप रहते हैं, ऐसे नहीं कहते किसी से, लेकिन मधुमंगल ने कह रहे हो, काना ओ कन्हैया, ये तेरे भगवान को मुंह तो तेरे जैसो लग रहा हो हमें, भैया कुछ गड़बड़ तो ना है। लेकिन ग्वाल वालों ने कहा, नहीं कोई गड़बड़ नहीं है, भोग लगाओ। नंद बाबा भोग लगा रहे, किनका तोड़ तोड़ के, थोड़ा थोड़ा। कन्हैया ने थाली ली हाथ में से, ऐसे नहीं, ये बहुत भूखे हैं हमारे भगवान, ऐसे ना खाएं तो कैसे खाएंगे।